बीते दिनों माया नगरी में भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी के जियो वर्ल्ड सेंटर में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर यानी NMACC का आगाज बेहद शानदार ढंग से हुआ। बता दें कि ये देश और दुनिया का पहला ऐसा सेंटर है जहां देश के हर तबके से जुड़े कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर सकेंगे। इवेंट की खासियत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि इसमें बॉलीवुड ही नहीं बल्कि हॉलीवुड के कई सितारों ने भी शिरकत की। इवेंट में ईशा अंबानी रेड गाउन में नजर आई, वहीं राधिका और अनंत ने महफिल लूट ली। बात नीता अंबानी की करें तो गोल्डन आउटफिट में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। इवेंट में मुकेश अंबानी अपनी फैमिली के साथ नजर आए। हालांकि सबका ध्यान फिल्म स्पाइडरमैन की सुपरहिट जोड़ी टॉम हॉलैंड और जेंडाया पर रहा। टॉम ब्लैक कलर के टक्सीडो सूट में नजर आए, वही बात करें जेंडाया की तो इवेंट में वो ट्रेडिशनल आउटफिट में दिखी। ब्लू कलर की शिमरी साड़ी में वो बेहद ही खूबसूरत नजर आ रही थी। वहीं मशहूर अमेरिकन फैशन मॉडल गिगी हदीद ने भी समारोह में चार चांद लगाए। जेंडाया की तरह हदीद भी भारतीय लिबास में नजर आई। उन्होंने गोल्डन कलर की साड़ी को चुना और सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वहीं बॉलीवुड स्टार्स की बात करें तो माधुरी दीक्षित अपने पति के साथ कार्यक्रम में पहुंची। मौनी रॉय ने भी अपनी मौजूदगी से हर किसी का दिल जीत लिया। वहीं क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह भी अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। करण जौहर ने अपने अतरंगी आउटफिट से माहौल बनाया। वहीं करीना और सैफ गौरी खान अपनी फैमिली के साथ नजर आए। इस मौके पर सबकी नजरें आर्यन खान और सुहाना पर टिकी रही। राजकुमार राव अपनी वाइफ पत्रलेखा के साथ नजर आए। हालांकि इस दौरान मलाइका अरोड़ा बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर के साथ दिखाई दी। मलाइका ने रॉयल जंपसूट कैरी किया था जिसमें वो काफी ज्यादा हसीन लग रही थी। देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा भी इवेंट में शामिल हुई। प्रियंका चोपड़ा ने मल्टी कलर का थाई हाई स्लेट गाउन पहना था। इस ड्रेस को मनीष मल्होत्रा ने डिजाइन किया था। तो वहीं इस दौरान निक जोनस ऑल ब्लैक लुक में नजर आए। फिलहाल आपको सेलेब्स का ये लुक कैसा लगा कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश दुनिया की बाकी बड़ी और अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।